राजधानी शिमला में पिछले लगभग 40 वर्षों से नाट्य जगत से जुड़े भूपेंद्र शर्मा के निर्देशन में नाटक नट सम्राट का मंचन गेयटी थिएटर में 30 व 31 मार्च को किया जाएगा। शिमला के कलाकारों को तराशने का जिम्मा भूपेंद्र शर्मा को गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी द्वारा दिया गया है। नट सम्राट वी शिवराडकर द्वारा लिखित चर्चित नाटक है, जिसकी रिहर्सल गेयटी में एक महीने से की जा रही है। ये नाटक आज की युवा पीढ़ी द्वारा अपने माता पिता के तिरस्कार पर आधारित है। बुजुर्गों की अपेक्षा से उनका जीवन इस कदर मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाता है कि वे घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि कलाकारों व नाटक कला के प्रोत्साहन के लिए गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी अच्छा काम कर रही है। ये सोसाइटी निर्देशकों को अनुबंधित कर नाटक तैयार कर रही है, इससे गेयटी में पेशेवर नाटक खेलने का माहौल तैयार हो रहा है। गेयटी की रौनक फिर से लौट आई है। नाटकों के चयन से लेकर उनके प्रस्तुतिकरण को लेकर सोसाइटी बहुत संजीदा व सतर्क है। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि शिमला में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नई पीढ़ी के कलाकार अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, उनमें सीखने की ललक दिख रही है। सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और नाटक कला आप जैसा कि जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा खास करके शिमला का एक विशिष्ट स्थान है और ये शिमला अगर कहा जाए तो थिएटर का मक्का माना जाता है अपने आप में। यहाँ से बहुत सारे लोग अभिनय कला के क्षेत्र में मुंबई और जगहों पे गए हैं जिन्होंने अपना मुकाम स्थापित किया है। उनमें अनुपम खेर जी हैं, उनमें बहुत सारे और सारे लोग हैं यहाँ से जो निकले हैं राजसानी से लेकर प्रेम चोपड़ा से लेकर। आज ये एक ऐसा मंजर गेयटी थिएटर में बन चुका है जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि पेशेवर रंगमंच की शुरुआत शिमला में काफी वर्षों की जद्दोजहद के बाद हम सारे कलाकारों की एक मांग थी कि जो कलाकार सुबह से शाम तक काम करता है वो अपना पूरा जीवन यहाँ पे खपाता है, उसको एक सांत्वना, उसको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो खाली शौक के लिए नहीं करें, उसके साथ जो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, वो किसी ना किसी तरह से अपना खर्च यहाँ से चला सकें। आज गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी की स्थापना से हम उस उद्देश्य की तरफ पहुंचे हैं कि यहाँ पर कलाकार भी और साथ में निर्देशक भी अनुबंधित किए जाते हैं और पूरी की पूरी प्रस्तुति का, पूरे के पूरे नाटक का जो खर्चा है वो गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी वहन करती है। हम कलाकारों को एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पे मिला है। नवा निर्देशक मुझे चुना गया है और मैं इस सोसाइटी के तहत एक नाटक का को तैयार किया, इसका नाम है नट सम्राट वी व शिरवाडकर। मराठी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं और बहुत चर्चित है ये नाटक। इस नाटक को हम लोगों ने स्थानीय कलाकारों के सहयोग से तैयार किया और पिछले एक महीने से हम लोग इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। 30 और 31 मार्च को इस नाटक का मंचन है। इस नाटक की विषय वस्तु आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। ये चीज लोगों को घर घर तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों और अपने माता पिता का तिरस्कार कर रही है और उस तिरस्कार करने के फलस्वरूप उनको बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा होती है। एक ऐसी ही दंपत्ति की कहानी इसमें है। एक व्यक्ति जो पेशे से कलाकार था, एक्टर था, वो वापस रिटायर होने के बाद जब अपने परिवार में पहुंचता है तो वो अपने बच्चों के तिरस्कार का शिकार होता है और वो सड़क पर आ जाता है। आज की पीढ़ी किस तरह से उपेक्षा कर रही है और ये उपेक्षा मैं समझता हूं कि यहाँ नहीं सब जगह पे हो रही है। इस पूरी की पूरी प्रस्तुति में जो अभी भी 8-9 के करीब नाटक यहाँ पर हुए हैं तो गेयटी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से ये व्यवस्था है कि वो इस पूरे के पूरे शो के लिए टिकट रखते हैं और रखी जा रही है। पिछले सभी नाटकों में एक साल से ये चल रहा है, जो हमारा रेपर्टरी का जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा है उसमें टिकट रहती है, 100 रुपए की टिकट है।